वक्त मौजूद हूँ समस्तीपुर और दरभंगा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र यानी सफा में, यानी सफा पुल का ये रास्ता है जो पिपरा से सफा होकर हाटी के लिए निकलता है। समस्तीपुर और दरभंगा जिला के यानी दोनों के सीमावर्ती क्षेत्र है और ये रास्ता लगभग आज़ादी के बाद अब बन रहा है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। आइए मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से खास बातचीत करना चाहूँगा कि जब से इस सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ है इन क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी नज़र आ रही है। आइए यहाँ के लोगों से कुछ खास बातचीत करते हैं। यानी काफ़ी दिनों के बाद समस्तीपुर और दरभंगा के सीमावर्ती क्षेत्र यानी ये पिपरा से हाटी वाली रास्ता काफ़ी दिनों के बाद अब बन रहा है, लगभग यानी 74-75 साल के बाद अब बन रहा है। इन क्षेत्र के लोगों में क्या है खुशी का माहौल, जरा इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि जब से ये सड़क काफ़ी दिनों के बाद बन रहा है क्या खुशी है आप लोग का? खुशी तो है, बना तो अच्छा है लेकिन इसके धूल मिट्टी बहुत पड़ रहा है, लेकिन वो उसको पानी देना चाहिए सुबह शाम, लेकिन वही नहीं दे रहा पानी। पानी नहीं पड़ रहा, पानी नहीं पड़ रहा, इतना धूल मिट्टी सर घर घर पे, कितना ये किसान का क्षति हो रहा है। अच्छा ये बताइए सर, ये सड़क कितने दिनों के बाद लगभग बन रहा है? ये तो बहुत जमाना से, बहुत जमाना के बाद अब बन रहा है, तो इन क्षेत्र के लोगों में क्या होगा, काफी खुशी होगा? खुशी तो है पर ये मिट्टी के वजह से, लेकिन पूरा फाइनल में उसे बहुत दुखी है। क्या कहना चाह रहे हैं आप सरकार को मिट्टी के लिए? मिट्टी के लिए काफी दिनों के बाद ये सड़क निर्माण हो रहा है, लगभग आजादी के बाद पहली बार ये सड़क निर्माण हो रहा है, क्षेत्र के लोगों में क्या खुशी है? ये रोड जो है सो बहुत दिनों के बाद शुरुआत हुआ है और यहाँ के ये शुरू होने के बाद जो है आदमी में खुशहाल हुआ है। उसके बाद जो है कि यहाँ का ठेकेदार तैयार हो गया है और यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर पूरा का पानी पटाया जाता है, यहाँ धूल से पूरे दुकान दौड़ी और पब्लिक को परेशानी पड़ रहा है, यहाँ से सुपौल जाते जाते सबको गर्दामय हो रहा है। इसलिए सभी सड़क निर्माण हो रहा हुआ तो अच्छी बात है, पर एक बात है कि यातायात करने में बहुत दिक्कत है, इससे जल्दी से जल्दी हो जाए। और आपके माध्यम से हम इतने ही कहने चाह रहे हैं कि ठेकेदार जो लिए होंगे वह अपना फास्ट काम करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे, सड़क निर्माण हो रहा है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे सड़क निर्माण हो रहा है जो काफ़ी दिनों के बाद निर्माण हो रहा है? सड़क निर्माण तो हो रहा है काफ़ी दिनों के बाद, लेकिन हमारे पंचायत में मंदिर के पीछे में जो सीढ़ी का विकास का वादा किए थे मुखिया जी, वो अभी तक पूरा नहीं किया है। ये रोड के बारे में, सड़क के बारे में बताइए, उसके बाद हम आप मंदिर में रोड के बारे में, रोड के बारे में, धूल पड़ रहा है, मिट्टी पड़ रहा है, ठेकेदार फिरार हो गया, ठेकेदार फिरार है, पता ही नहीं चल रहा है उसको कहाँ है, नहीं है ठेकेदार, धूल पड़ रहा है, पानी का परेशानी भी हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या चीज़ मास्क लगा के चलना पड़ता है, क्या चीज का परेशानी हो रहा है, धूल मिट्टी उड़ता है। क्या चाहिए आपको सरकार से, मान हमें रोड जल्दी, हमें रोड जल्दी जल्द जल्द बनाए और शाम सुबह कम से कम पानी से पटाया जाए, पानी पटाया सुबह शाम पानी दिया, उससे आप थोड़ा बचाव हो सकता है। हाँ हो सकता है बचाव, हम लोग को भी परेशानी है, ताकि रोड क्लियर हो जाए तो हम लोग भी अपना सोचें कि सेटलमेंट करना है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ निकलती है? यहाँ से पिपरा से हाटी मिलता है बिरोल, यानी इन क्षेत्र के लोगों की काफ़ी सुविधा होगा सुपौल जाने में। बहुत ज़्यादा सुविधा होगा, नंबर से मिलता है सहरसा जाने के लिए, यहाँ से जो 17 किलोमीटर का तय करना पड़ता था अभी मात्र 7 किलोमीटर यहाँ से दूरी पड़ता है, 17 नंबर मात्र 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर।